सीएम योगी का बड़ा एक्शन, चर्चित गैंगरेप के मामले में लाखों की घूस लेने के आरोपी रामपुर के तत्कालीन सीओ सिटी विद्या किशोर शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले पर गैंगरेप से पीड़ित महिला ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को बताया कि मेरे घटनाक्रम को दबाने के एवज में आरोपियों द्वारा तत्कालीन सीओ विद्या किशोर शर्मा ने लाखों रुपए की घूस ली थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर के पूर्व सीओ सिटी के पद पर तैनात रहे विद्या किशोर शर्मा पर कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस प्रकरण की जानकारी खुद अपने ट्विटर अकाउंट से दी। पूर्व सीओ सिटी पर आरोप है कि महिला से गैंगरेप मामले को दबाने के लिए आरोपियों से लाखों की रिश्वत ली थी, जिसकी शिकायत आरटीआई एक्टिविस्ट दानिश खान ने सीएम योगी से की थी और उन्हें रिश्वत वाला वीडियो भी भेजा था। रामपुर से संवाददाता उस्मान खान की रिपोर्ट। मैंने प्रेस बंधुओं को इसलिए बुलाया है कि मुझे संज्ञान हुआ है, पता चला है कि जो मेरे केस में विद्या किशोर जी सीओ साहब थे, उन्हें आज सस्पेंड कर दिया गया है। सीएम साहब ने किया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि उनकी कुछ ट्विटर पे और वीडियो वायरल हुई थी, उनकी वजह से उन्हें सस्पेंड किया गया है मेरे ही केस में। और मुझे लगता है कि मुझे आगे भी न्याय मिलेगा, क्योंकि मेरी कार्रवाई बहुत अच्छे से चल रही है। किस प्रकार की वीडियो थी वो? कुछ लेन देन पैसे का था, जो मेरे केस को लेके पैसा लिया गया था, कितना लिया ये मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे केस को दबाने के लिए कुछ पेमेंट लिया गया था। जो केस को दबाया जाए, इसकी कार्रवाई ना की जाए, इसीलिए मुझे आज तक कोई न्याय नहीं मिला। सबको मैं चाहती अब मुझे न्याय मिलेगा, शासन और प्रशासन दोनों मेरा साथ दे रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ विनोद यादव, रामवीर यादव जो उनके साथी हैं, वो गिरफ्तार हों, जेल जाएं और मुझे न्याय दिया जाए। क्या आपको लगता है कि इस केस में और भी चेहरे सामने आएंगे, लोग संलिप्त हैं इस मामले में? बिल्कुल आएंगे सर, चेहरे सामने आएंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में पता चल जाएगा सब आगे। कौन कौन इसमें सस्पेंड हुआ पहले? पहले रामवीर सिंह इसका सस्पेंड हुए और अब सीओ साहब विद्या किशोर भी सस्पेंड। ये क्यों, किस वजह पे इनको सस्पेंड किया गया है? रामवीर सिंह ने तो क्राइम किया है, रेप किया है, वो तो मुलजिम है, और ये साक्ष्य छुपाने के चक्कर में गिरफ्तार हुए, वो सस्पेंड हुए। तो क्या मतलब इन्होंने दूसरे लोगों से पैसा केस दबाने के लिए लिया था? इन्होंने पैसा लिया था केस दबाने के लिए। तो उसका वीडियो कैसे बना, कहाँ वायरल हुआ? वो दानिश खान आईटीआई ने वायरल किया था, ट्वीट भी किया था। तो उसमें क्या पैसा लिया है इन्होंने? हाँ, कुछ वीडियो है उनके पास। किससे लिया पैसा? विनोद सिंह यादव और रामवीर सिंह यादव। पहले आपने अपनी सुरक्षा की बात भी कही थी, सुरक्षा मांगी थी, तो अब आप संतुष्ट हैं प्रशासन ने? हाँ, सुरक्षा तो मुझे मिली है, लेकिन ये क्या जरूरी है, सुरक्षा क्या करेगी? अगर वो मेरा मर्डर करना चाहेंगे तो वो तो कर ही देंगे, सुरक्षा एक गवाही तो दे देगी खाली। एसआईटी जांच हो रही है? एसआईटी जांच हो रही है, लेकिन एसआईटी जांच से मैं संतुष्ट हूँ फिलहाल। आगे कार्रवाई अच्छी होती है तो आगे भी संतुष्ट रहेंगे, और मुझे कुछ मिस्टेक दिखाई देगा। अच्छा, और मामलों में पुलिस गैंगरेप मामले में, जैसे आपका मामला दर्ज है, और मामलों में पुलिस जल्दी जेल भेज देती है, मगर आपके मामले में विलय क्यों हो रहा है, देरी क्यों हो रही है? हमारे मामले में इसलिए देरी हो रही है क्योंकि जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो बहुत पावरफुल हैं, काफी पैसे वाले हैं, जो भी है मैनेज पैसे से कर लेते हैं, इसलिए हमें न्याय आपको